टारगेट किलिंग बंद करो, 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 टारगेट बंद करो, टारगेट किलिंग 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 बंद करो, बंद करो, खूने नाक 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 बंद करो, किलिंग करो, खूने नाक किलिंग करो, खूने नाक किलिंग करो, टारगेट किलिंग बंद 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 करो, हमारा यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करने का सिलसिला है। पहले मैं ये बताता हूँ, ये KDF है, कोमल डिफेंस फोर्स। ये हमने इसलिए ये KDF यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, ये एक एजेंसी की तरह काम करेगा, जो यहाँ पे आज के डेट में अभी तक हो रहा है ये सिविल किलिंग्स वगैरह हो रही है, या कुछ पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, अब कुछ बाहर के एम्प्लॉइज को निशाना बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं ये आखिर क्यों, इस कमीशन का नाम ये रखा है हमने आखिर क्यों, ये मसला क्या है भाई, हम ये जानना चाहते हैं। अगर ये किलिंग्स हो रही है, अभी तक कोई अक्सरियत पार्टियां ले रही थी सर पे कि ये हमने क्या जिम्मेदारी कबूल करते थे, लेकिन आज के डेट में एक पुलिस वाला, एक CRPF वाला, कोई BSF वाला, कोई आर्मी वाला, कोई सिविल मारा जाता है या कोई सिविल एम्प्लॉयज मारा जाता है, उसकी कोई ये कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है, ना बोलता है ये हमने किया है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं KDF के माध्यम से, ये अगर ये किलिंग हो रही है, ये किन बेस पे हो रही है और ये क्यों कर रहा है। अगर ये कोई साजिश है, कोई टारगेट है, तो हम अवेयर इनको करना चाहता है कि KDF इसके लिए ऐसा प्रोटेस्ट कर देगा कि इनको प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हम दिल्ली 15 जनवरी के बाद जाएंगे इस काम को, इस मसले को लेके। हम चाहते हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेटर को हम बताना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं बताना चाहता हूँ, खास ऊपर मंत्रालय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं बताना चाहता हूँ KDF के माध्यम से, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इन चीजों के ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि ये खूनी नाहक बंद हो जाए। जो हमारे J&K UT का नाम बदनाम हो रहा है, अगर कोई बाहर का एम्प्लॉय यहाँ किसी आउट ऑफ स्टेट से आता है, उसे ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ अपॉइंट किया जाता है, तो आजकल अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। क्यों, आखिर क्यों, इसका मतलब है क्या, हम ये जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर यहाँ J&K UT के अंदर सीजन आता है टूरिज्म का, उसी उन्हीं दिनों में ये सिलसिले क्यों जारी होते हैं, क्योंकि 30 सालों से 32 सालों से कश्मीर के लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ये अवेयर नहीं हो रहा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी तक 370 का मामला था, वो हटाया गया, उसके बाद ये आश्वासन दिया गया मंत्रालय से कि यहाँ पे हर एक चीज सिस्टम से देखा जाएगा, ये तरक्की के और लिया जाएगा, लेकिन ये कौन सी तरक्की है, यहाँ कत्लोगार का माहौल हो गया। हम चाहते हैं ये किलिंग बंद हो, नहीं तो हम यहाँ पे सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर है। हम पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता है कि J&K UT के मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी कि जो भी तबके से वाबस्ता हो, जो भी जिस उम्मत से हो, वो टारगेट बनाया जाता है। क्यों, आखिर क्यों।
ये आखिर क्यों चलता रहेगा और यहाँ की आवाज पहुंचाएगा। जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें मैं आगाह करना चाहता हूँ, वैसे उन्हें आगाह करना बेकार है क्योंकि वो एंटी करप्शन में मुलव्वस है, जिनके वजह से वो मौजूदा सरकार जो है इंडिया गवर्नमेंट के अंदर उनका मुंह बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हम साफ और शफाफ है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम इस कौम के लिए अपने आप को भी सर्व करेंगे और अब अपने आप को भी कुर्बान कर सकते हैं।